हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी टू कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप ट्रेंड चेंज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी जो भी ट्रेंड चेंज होता है उसको आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो हम ट्रेंड में चेंज को आइडेंटिफाई करेंगे वो बुलिश ट्रेंड से बेयरिश ट्रेंड कैसे चेंज होता है, चेंज होकर कैसे आपका बेयरिश ट्रेंड आता है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। और बहुत सारे लोग इसको आइडेंटिफाई कर भी लेते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेट आइडेंटिफाई करते हैं, एज ए रिजल्ट वो इस ट्रेंड चेंज से प्रॉफिट नहीं बना पाते हैं। और बहुत सारे लोग इसको गलत तरीके से आइडेंटिफाई करके यहाँ पे ट्रेड करते हैं, एज ए रिजल्ट यहाँ पे आपको नुकसान उठाना पड़ता है या फिर आप प्रॉफिट नहीं बना पाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताने जा रहा हूँ, कुछ स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ जिसके बेसिस पे आप सही टाइम पे ट्रेंड चेंज को आइडेंटिफाई कर लेंगे, यानी सही टाइम पे कब बुलिश से बेयरिश ट्रेंड में चेंज हो गया उसको आप परफेक्ट टाइम पे आइडेंटिफाई करते हुए आप लॉस से बच सकते हैं, ट्रैप से बच सकते हैं, एट द सेम टाइम आप यहाँ से प्रॉफिट भी बना सकते हैं। तो ये सब काम हम कैसे कर सकते हैं, चलिए सीखते हैं। यहाँ पे हम चार्ट पे आ गए और अगर आप देखें ये जो चार्ट है आपका हिंडाल्को का डेली चार्ट है। यहाँ पे हम डेली चार्ट इसलिए ले रहे हैं ताकि यहाँ पे हमें कैंडल में मैच्योरिटी देखने को मिलता है और हम रिवर्सल को आसान तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आपको ये कॉन्सेप्ट भी सही तरीके से समझ में आ जाएगा। बाकी आप इसका इंप्लीमेंटेशन किसी भी टाइम फ्रेम में कर सकते हैं, जो भी टाइम फ्रेम में आप ट्रेड करते हैं वहाँ पर आप ट्रेंड चेंज को सही टाइम पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बस जो टेक्निक्स यहाँ बताएं उसी टेक्निक को एज इट इज आपको वहाँ पे अप्लाई करना है, कोई चेंजेस आपको उसमें नहीं करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है कि जो पॉजिटिव ट्रेंड है उससे निगेटिव ट्रेंड में जो चेंज होता है वो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी जो बुलिश ट्रेंड से आपका बेयरिश ट्रेंड में जाता है उस ट्रेंड को हम कैसे अर्ली और सही टाइम पे आइडेंटिफाई करते हुए यहां से प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं। सिर्फ हमें फाइंड ही नहीं करना, आइडेंटिफाई नहीं करना, उससे हमें प्रॉफिट भी बनाना, ये इस वीडियो का हमारा मेन मोटो है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। और इस चीज को जो हम आइडेंटिफाई करेंगे मल्टीपल तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन तीन चार जो मेन टेक्निक्स है वो यहाँ पे हम सीखेंगे कैसे हम तीन चार तरीके से इस ट्रेंड चेंज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप एक सिंपल सा टेक्निक के जरिए फाइंड कर सकते हैं। तो जब भी आपको अप ट्रेंड देखने को मिलता है, एकदम ज़बरदस्त अप ट्रेंड, तो वहाँ पर आपको ऊपर में हाइयर हाई पैटर्न देखने को मिलता है, यानी जो भी हाई आपका फॉर्म होता है आपका प्रीवियस हाई से ऊपर फॉर्म होता हुआ दिखता है। देख सकते हैं यहाँ पे आपका हाई बना प्रीवियस हाई से ऊपर है, फिर यहाँ पे आपका हाई बना ये भी प्रीवियस हाई से ऊपर है, फिर यहाँ पे आपका हाई बना ये भी प्रीवियस हाई से ऊपर है। मतलब आपका हाइयर हाई पैटर्न का फॉर्मेशन चलता है। नीचे में भी लो बनता है वो आपका प्रीवियस लो से ऊपर बनता हुआ दिख सकता है। देखिए यहाँ पे लो बना जो कि प्रीवियस लो से ऊपर है, यहाँ पे फिर लो बना प्रीवियस लो से ऊपर है, यहाँ पे फिर लो बना प्रीवियस लो से ऊपर है, यहाँ पे फिर लो बना प्रीवियस लो से ऊपर है। मतलब यहाँ पे हमें हाइयर हाई और हाइयर लो पैटर्न देखने को मिलता है। कहाँ पे देखने को मिलता है? पॉजिटिव ट्रेंड, यानी जब हमें बुलिश ट्रेंड देखने को मिलता है। लेकिन जब बुलिश से आपका बेयरिश ट्रेंड आता है, यानी पॉजिटिव से निगेटिव ट्रेंड आता है और बुलिश से आपका जो बेयरिश ट्रेंड आता है, तो ये आपका जो हायर हाई है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो आपका लोअर हाई में कन्वर्ट हो जाता है और जो आपका हायर लो है वो आपका लोअर लो में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे ये कन्वर्जन हमें देखने को मिले, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हायर हाई पैटर्न कंटिन्यू है, अब यहाँ पे आया है, यहाँ पे आपका फ्रेश हाई बना है, मतलब इस हाई से नीचे बना है, डैट मीन्स टू लोअर हाई पैटर्न यहाँ पे स्टार्ट हो गया। अब दूसरा क्या देखना है कि यहाँ पे आपका लो बना, अब जैसे प्राइस इस लो के नीचे जाएगा डैट मीन्स टू क्या होगा, हमारा लोअर लो पैटर्न भी स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे प्राइस इसको ब्रेक करके नीचे गया, डैट मीन्स टू आपका फ्रेश लो बना दिया है प्रीवियस लो से नीचे, डैट मीन्स टू लोअर लो पैटर्न भी हमारा कंटिन्यू हो गया। तो जैसे हमने देखा कि लोअर हाई और लोअर लो पैटर्न बना, हमने क्या देख लिया कि प्राइस यहाँ से ट्रेंड अपना चेंज कर लिया, बुलिश से बेयरिश आ गया। मतलब पहले यहाँ पे क्या दिख रहे थे, पहले यहाँ पे हमें बायर्स काफ़ी हद तक स्ट्रांग दिख रहे थे, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमें सेलर्स अब स्ट्रांग दिखने लग गए। मतलब यहाँ पे सिस्टमैटिक पावर का ट्रांसफर हो रहा, पहले बायर्स स्ट्रांग थे अब यहाँ पे सेलर्स हमें स्ट्रांग दिख रहे हैं। यहाँ पे हम सेल साइड की तरफ जाना प्रेफर करेंगे, यानी यहाँ पे हम सेल साइड की तरफ हम अपना एंट्री लेंगे और उसके बाद अगर हम बात करें जहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ वो हमारा टारगेट प्राइस बन जाएगा। तो इस तरीके से हम डाउन ट्रेंड को ना सिर्फ आइडेंटिफाई करेंगे बल्कि इसके बेसिस पे ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हैं।
और जहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ उस कैंडल का जो भी हाईएस्ट पॉइंट रहेगा एसएल के रूप में काम करता हुआ दिख जाएगा। तो इस तरीके से हम एसएल एंट्री और टारगेट प्राइस अपना वेल डिफाइन करते हुए ट्रेंड चेंज को अर्ली आइडेंटिफाई कर रहे हैं और ना सिर्फ आइडेंटिफाई कर रहे हैं प्रॉफिट भी बना रहे हैं। तो पहला टेक्निक है कि आपको हायर हाई और हायर लो पैटर्न किस में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा, लोअर हाई और लोअर लो, तो ये आपको बता देगा कि ट्रेंड में चेंज हुआ है, पॉजिटिव ट्रेंड से आपका चेंज होकर निगेटिव ट्रेंड आ गया है। अब दूसरा पॉइंट क्या है उसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट में हमें क्या फाइंड करना है, एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल हमें आइडेंटिफाई करना है। देखिए यहाँ प्राइस ऊपर गया, इसको टच करके नीचे आ गया, मतलब यहीं पे हमें एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल मिल गया। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस के करीब क्या बनना चाहिए, लॉन्ग टेल वाला कैंडल बनना चाहिए। और लॉन्ग टेल कहाँ पे होना चाहिए, लॉन्ग टेल टॉप। जब भी कोई कैंडल का फॉर्मेशन होता है जो कि ऊपर में टेल बनता है यानी लॉन्ग टेल एट द टॉप बनता है, वो हमें क्या दिखाता है, वो हमें दिखाता है कि यहाँ पे जो बायर्स हैं वो काफ़ी हद तक कमज़ोर हो गए और एट द सेम टाइम जो सेलर्स हैं वो यहाँ पे काफ़ी हद तक स्ट्रांग हो रहे हैं, यानी सेलर्स अपना स्ट्रेंथ गेन कर रहा है और बायर्स यहाँ पे कमज़ोर हो रहे हैं। मतलब पावर का सिस्टमेटिक ट्रांसफर हुआ, सबसे पहले बायर्स कमज़ोर हो रहे हैं फिर सेलर्स स्ट्रांग हो रहे हैं। और ये हमें बताता है कि पॉजिटिव ट्रेंड से प्राइस निगेटिव ट्रेंड में आता हुआ दिख रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपका क्या, जैसे रेजिस्टेंसेबल करीब गया लॉन्ग टेल एट द टॉप बना है, डैट मीन्स टू यहाँ पे जो है हमारे बायर्स वो क्या हो रहे हैं, वो कमज़ोर हो रहे हैं और एट द सेम टाइम जो सेलर्स है वो स्ट्रांग हो रहे हैं। तो जो कैंडल रेजिस्टेंस लाइन को टच किया उसके लोएस्ट पॉइंट को मार्क कर लेंगे, जैसे प्राइस लो को ब्रेक करके नीचे जाएगा यहाँ पे हम सेल साइड की तरफ एंट्री लेंगे, इसका हाईएस्ट पॉइंट एसएल के रूप में काम करेगा, फिर हमारा ये फर्स्ट टारगेट प्राइस हो जाएगा और उसके नीचे आप ट्रेलिंग एसएल का इस्तेमाल करते हुए और आगे जा सकते हैं या फिर प्रीवियस स्विंग लो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक और तरीके से ट्रेंड चेंज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, फ्रॉम बुलिश ट्रेंड टू बियरिश, यानी पॉजिटिव ट्रेंड से जो निगेटिव ट्रेंड में आया उसके बेसिस पे। सबसे पहले यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस लेवल फाइंड किया, फिर क्या फाइंड करना है, लॉन्ग टेल एट द टॉप कैंडल में फाइंड करना, जो कि यहाँ पे हमें देखने को मिला है। उसके बाद फिर से प्राइस आपको ऊपर करीब गया, यहीं पे रेजिस्टेंस लेवल करीब गया और यहीं पे जो कैंडल रेजिस्टेंस लाइन को टच किया वहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिलवा, वहाँ पे भी हमें लॉन्ग टेल देखने को मिलवा और वो भी कहाँ पे, टॉप में। ये हमें वापस से सेम स्टोरी बता रहा है कि यहाँ पे जो बायर्स हैं वो हमें कमज़ोर दिख रहे हैं और एट द सेम टाइम जो सेलर्स हैं वो यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, वो स्ट्रांग दिख रहे हैं। मतलब यहाँ पे पावर का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम बायर्स टू सेलर्स और जैसे पावर का ट्रांसफर होगा इस कैंडल के लोएस्ट पॉइंट को ब्रेक करने के बाद हम कंफर्म हो जाएंगे कि मार्केट सेलर्स के कंट्रोल में आ गया, यहाँ पे हम सेल साइड की तरफ एंट्री लेंगे और फिर इस गिरावट से हम प्रॉफिट बना सकते हैं। इस तरीके से हम दूसरे टारगेट प्राइस के लिए भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम ट्रेंड चेंज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला तरीका क्या था कि जो आपका हायर हाई पैटर्न था और हायर लो पैटर्न था वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो आपका लोअर हाई में कन्वर्ट हो गया और ये आपका लोअर लो में कन्वर्ट हो गया। दूसरा तरीका है कि रेजिस्टेंस से करीब लॉन्ग टेल एट द टॉप बनता है, इसके जरिए भी हम ट्रेंड चेंज को सही टाइम पे और सही जगह पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम तीसरे टेक्निक तीसरे पॉइंट के ऊपर आते हैं। यहाँ पे भी हमें सबसे पहले रेजिस्टेंस लेवल को ही आइडेंटिफाई करना है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल करीब एक और काम क्या होगा, आपका ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल का जो साइज है वो आपका छोटा होता जाएगा, यानी ग्रीन कैंडल का साइज आपका स्मॉल होता जाएगा जैसे ही रेजिस्टेंस लेवल के करीब आएगा। तो ये भी हमें क्या दिखाता है, ये भी सेम स्टोरी बताता है कि बायर्स कमज़ोर हो रहे हैं सेलर्स अपना स्ट्रेंथ गेन कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस लेवल का फॉर्मेशन हुआ है, उसके बाद जैसे प्राइस आपका रेजिस्टेंस लेवल करीब आया कैंडल का साइज बढ़ रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस लेवल करीब आते आते कैंडल का साइज आपका छोटा हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पे एट द सेम टाइम लॉन्ग टेल एट द टॉप भी बनाया, मतलब जो हमारा दूसरा पॉइंट था वो भी यहाँ पे सेटिस्फाई होता हुआ दिख रहा है। तो इन दोनों पॉइंट के बेसिस पे हम इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पे जो बायर्स हैं वो काफ़ी हद तक हमें कमज़ोर दिख रहे हैं, यहाँ पे बायर्स ऑलरेडी कमज़ोर हो चुके हैं और जो सेलर्स हैं वो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, वो यहाँ पे अपना स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं, स्ट्रांग हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जो भी रेंज में मूव किया इसको मार्क कर लेंगे, इसको जैसे ब्रेक करके नीचे आएगा यहाँ पे हम सेल साइड की तरफ एंट्री लेंगे, ये पॉइंट मेरा एसएल बन जाएगा और फिर इस टारगेट प्राइस के लिए आसानी से जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बुलिश ट्रेंड से बेयरिश ट्रेंड में जो प्राइस चेंज हो रहा है उसके बेसिस। तो यहाँ पे हमने तीसरा तरीका देखा, अब हम यहाँ पे एक और तरीका देखते हैं इसको आइडेंटिफाई करने का। यहाँ पे हम वापस से SBI लाइफ के डेली चार्ट पे आ गए। तो यहाँ पे हम जो भी एग्जांपल ले रहे हैं डेली चार्ट में ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ पे मैच्योरिटी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी फोर्थ टेक्निक में सबसे पहले रेजिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई करना होगा और इसके करीब, तो यहाँ पे हमें एक निगेटिव पैटर्न चाहिए चाहे वो किसी के बेसिस पे हो। तो यहाँ पे देखिए आपका रेजिस्टेंस लेवल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया, वापस से प्राइस आपका रेजिस्टेंस करीब आया है और यहाँ पे आपका क्या फॉर्म किया, अगर आप इन दोनों कैंडल को एक साथ देखें तो आपका फॉर्म किया है
बियरिश इनगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन किया है। और आपको पता ही है कि बियरिश इनगल्फिंग कैंडल एक जबरदस्त निगेटिव कैंडल है जो कि हमें गिरावट का इंडिकेशन देता है। तो यहाँ पे हम इसके लोएस्ट पॉइंट को ब्रेक करते हैं, सेल साइड की तरफ जाएंगे और हम सबसे पहले इस टारगेट प्राइस के लिए जाएंगे, उसके बाद हम फर्दर इस टारगेट प्राइस के लिए भी जाएंगे। तो देखिए लगभग दोनों टारगेट प्राइस हमारा हिट होता हुआ दिखा। तो इस तरीके से हम रेजिस्टेंस लेवल के करीब एक निगेटिव पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हुए भी हम क्या कर सकते हैं, बुलिश ट्रेंड से बेयरिश ट्रेंड में प्राइस को चेंज होता हुआ देख सकते हैं और इसके बेसिस पे हम प्रॉफिट बना सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, आपका बायर्स अपना स्ट्रेंथ दिखाते हुए प्राइस रेजिस्टेंस लेवल करीब आया और जैसे रेजिस्टेंस लेवल करीब आया यहाँ पे सेलर्स में हमें एकाएक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता हुआ दिखा और इस कैंडल को टोटली इनगल्फ किया और इसके ऊपर ओपन होते ही सेलर्स ने प्राइस को ड्रैग करके नीचे लाया। मतलब यहाँ पे बायर्स का जो डोमिनेंस था वो टोटली डोमिनेंस खत्म हो गया, एक ही कैंडल हमें ये चीज़ बता रहा और उसके बाद फर्दर सेलर्स हावी होते हुए प्राइस को नीचे लाएँ। तो इस तरीके से यहाँ भी पावर का ट्रांसफर हो रहा फ्रॉम बायर्स टू सेलर्स और उसके बाद वापस से रेजिस्टेंस और करीब आया। और यहाँ पर देखिए एक आपका ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद आपका रेड कैंडल बना जो कि इसके हाफ को क्रॉस करते हुए नीचे और नीचे क्लोजिंग दिया है। मतलब यहाँ पे एक और हमें निगेटिव पैटर्न देखने को मिला जिसका नाम है डार्क क्लाउड कवर और ये भी आपका एक ज़बरदस्त निगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि हमें और ज़्यादा गिरावट का इंडिकेशन देता है। और इसके बाद जैसे प्राइस आपका नीचे साइड की तरफ गिरा यहाँ पे हम सेल साइड की तरफ एंट्री लेंगे। ये पॉइंट मेरा एसएल के रूप में काम करेगा, ये मेरा फर्स्ट टारगेट प्राइस होगा, उसके बाद ये हमारा सेकेंड टारगेट प्राइस होगा। तो इस तरीके से दोनों टारगेट प्राइस को हिट कर दिया। तो रेजिस्टेंस लेवल करीब क्या फॉर्म हुआ है, एक हमारा ज़बरदस्त निगेटिव पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है और ये निगेटिव पैटर्न कुछ भी हो सकता है। ये हमें बताता है कि जो यहाँ पे ट्रेंड है वो पहले बुलिश ट्रेंड था, अब वो चेंज होकर किस में आ गया, बियरिश ट्रेंड में आ गया। तो इस तरीके से हम बियरिश ट्रेंड को सही टाइम पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसको चेंज होते हुए भी यहाँ पे हम क्लियर तरीके से देख रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं जो चार टेक्निक्स मैंने आपको बताया है कि कैसे हम बुलिश ट्रेंड से बियरिश ट्रेंड चेंज होते हुए देख सकते हैं और इसके बेसिस पे कैसे हम ट्रैप से बच सकते हैं और जहाँ पे मैक्सिमम लोगों का नुकसान होता है उस लॉस को हम कैसे प्रॉफिट में बदल सकते हैं, इन सब के बारे में मैंने यहाँ पे आपको बताया। अगर आपको आइडिया नहीं होगा तो मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, इसके बाद ही बाई साइड की तरफ जाएंगे, जैसे आप बाई करोगे आप ट्रैप में फंस सकते हैं। इसलिए ये सारा कुछ आपको ध्यान रखना होगा और इस तरह का ट्रेडिंग टेक्निक कहीं पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि जब भी हम इस तरह के वीडियो आगे और भी बनाएं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो को मिस ना करें। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।